नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे आपकी स्ट्रेटेजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, उनसे जानेंगे कल बाजार पर क्या रहे आपकी रणनीति। साथ ही हमारे साथ जो आज खास मेहमान है उनका परिचय करा दे, HDFC सिक्योरिटीज के। बाजार बहुत स्वागत है आपका, और पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ, उनका भी परिचय करा देते हैं। कुशल से जानेंगे आज कैसा रहा बाजार का हाल और कैसे रहेंगे अशोक लेलैंड के नतीजे। देवांशी हमें बताएंगे क्यों आया BEL में उछाल। वरुण से जानेंगे क्यों फोकस में है यूनाइटेड ब्रूवरीज। मानसी से जानेंगे कैसे रहेंगे ONGC के मार्च तिमाही के नतीजे। बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डालना बेहद जरूरी है। तो दिन भर दबाव में रहने के बाद बाजार आखिरकार दिन के निचले स्तरों के पास जाकर बंद हुए। निफ्टी 85 अंक गिरकर 15,700 के नीचे फिसला, तो सेंसेक्स भी करीब 280 अंकों की गिरावट के साथ 52,300 के पास जाकर बंद हुआ। आज खास तौर पर मेटल, IT, इंफ्रा और एनर्जी शेयरों ने बाजार पर दबाव बनाने का काम किया, तो ऑटो शेयरों ने आज दिया बाजार को सहारा। वहीं निफ्टी बैंक पौने 200 अंकों की कमजोरी के साथ 34,600 के नीचे बंद हुआ, और कोटक, ICICI और एक्सिस बैंक जैसे दिग्गजों में 1% की गिरावट देखी गई। FIIs और DIIs की तरफ से क्या संकेत आज देखने को मिले हैं उस पर एक डालते हैं नजर। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में 3,156 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 1,317 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं आज के बाजार की खासियत क्या रही। आज लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन बाजार में ऐसा था जहां पर बाजार जिस तरह से खुलते उसके विपरीत बंद होते दिख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, अगर खुले मजबूती के साथ तो बंद होंगे कमजोर, और खुलते हैं कमजोरी के साथ तो बंद होते हैं दिन के उच्चतम स्तरों पर। आज भी वही ट्रेंड बरकरार रहा, बाजार मजबूती के साथ खुले और दिन के पहले 15 मिनट में टॉप बनाया और दिन के आखिरी 15 मिनटों में बॉटम, दिन के लोएस्ट लेवल पर जाकर बंद हुए। 15,850 के ऊपर निकले भी, टिके भी, और उसके बाद से जो मुनाफा वसूली हावी होती दिखी है आखिरी 15-20 मिनट, आधा घंटे में 15,700 के लेवल को तोड़ा और उसके ठीक नीचे जाकर बाजार बंद होते हुए दिखे। बैंक निफ्टी का भी यही हाल था, हालांकि बैंक निफ्टी सुबह से उतना मजबूत था नहीं, 35,000 के पार निकलकर टिक नहीं पाया, लेकिन 34,500 के बेहद करीब, 34,600 के करीब बैंक निफ्टी भी बंद होता हुआ दिखा हल्के फुल्के नुकसान के साथ। तो आज के सेशन में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आती थी कि ये थोड़ी सरप्राइजिंग इस लिहाज से भी थी कि अमेरिका के फ्यूचर्स 75 पॉइंट ऊपर बंद ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त, तो ऐसे कोई बुरे संकेत नहीं थे। FIIs की बिकवाली थोड़ी बहुत थी लेकिन कैश मार्केट में, लेकिन इंडेक्स में थोड़ी उन्होंने शॉर्ट कवरिंग भी की, खरीदारी भी की, तो संकेत मिले जुले थे। और बाजारों ने पिछले दो दिनों में जो रिकवरी दिखाई उससे मूड माहौल थोड़ा ठीक होते हुए दिखा भी, लेकिन फिर भी ऊपरी स्तरों से एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। और जो बाजार का ट्रेंड है वोलेटाइल ऊपर नीचे ट्रेड का, वो आज भी बरकरार रहा। तो ओवरऑल इंडेक्स में हल्का नुकसान दिखा, लेकिन आज ब्रॉडर मार्केट में अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में काफी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी, काफी बिकवाली आती दिखी, चुनिंदा मिड कैप्स काफी भागे भी, लेकिन दोनों तरफ के ट्रेड बाजार में चाहे वो इंडेक्स हो चाहे स्टॉक्स हो बड़े कन्विक्शन के साथ और बड़े जबरदस्त होते हुए दिख रहे हैं। वोलेटिलिटी है, वॉल्यूम्स हैं, और मुझे लगता है कि कल एक वायदा कारोबार में मंथली एक्सपायरी का दिन है, उससे पहले भी बाजार थोड़े वोलेटाइल होते दिख रहे हैं। और इसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट्स का भी पूरा योगदान है इस वोलेटिलिटी में, वहां पर भी ट्रेंड साफ नहीं है। मीडियम टर्म ट्रेंड देखेंगे मजबूती का है, भारतीय बाजारों में भी मीडियम टर्म ट्रेंड देखेंगे मजबूती का है, लेकिन डेली बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो चाहे वो अमेरिका के बाजार हो, हमारे हो, या दुनिया भर के कोई भी बाजार या कोई भी एसेट क्लास, उतार चढ़ाव थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है, और वही बाजार का ट्रेंड हमारे यहाँ भी आज दिखा है। तो कल महीने की एक्सपायरी पर क्या रहे स्ट्रेटजी समझेंगे अनिल जी से, उससे पहले आज के बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन समझते हैं। हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता का रुख कर लेते हैं। कुशल सर, बताएं आज के बाजार में कहां सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला। जी, तो बाजारों में अगर आप देखें तो मंथली एक्सपायरी के एक दिन पहले आज बाजार में जो है भारी गिरावट हमें देखने को मिली और ऑलमोस्ट दिन के लो पॉइंट पर जाकर निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। निफ्टी में गिरने वाले शेयरों में जो लीड कर रहे थे उसमें अदानी पोर्ट्स जो है सबसे ज्यादा टूटता हुआ दिखा, साथ ही दिग्गज IT कंपनी विप्रो पर भी 2.5 से 3% की गिरावट दर्ज होती हुई नजर आई। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखेंगे तो डिविज लैब और JSW स्टील जैसे स्टॉक्स भी आज के सत्र में दबाव बनते हुए नजर आए। तो
सेक्टर स्पेसिफिक जो है कमजोरी हमें देखने को मिली, पर दूसरी तरफ जो गेनर साइड पर स्टॉक्स निकल कर आए वो ऑटो स्पेस से, खासकर अगर आप मारुति सुजुकी की बात करें। इनफैक्ट अगर आप दिन के दौरान हीरो मोटोकॉर्प को भी देखें जिन्होंने प्राइस हाइक का ऐलान किया था, वहां पर भी 2.5% की तेजी जो है हमें दिन के दौरान क्लॉक इन होती हुई नजर आई। साथ ही टाइटन, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी। ऑयल एंड गैस स्पेस लूज आउट करता हुआ दिखा, जिसमें अदानी टोटल गैस 5% की गिरावट थी। गुजरात गैस, आईजीएल जैसे स्टॉक्स पर भी दबाव आज के सत्र में बना। मेटल काउंटर्स यहां पर भी बिकवाली नजर आई, एनएमडीसी करीब 3.5% गिरकर बंद होता हुआ दिखा। साथ ही सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स पर भी दबाव बनता हुआ नजर आया। आईटी स्पेस, डिफेंसिव स्पेस यहां पर विप्रो के समेत टीसीएस, कोफो जैसे स्टॉक्स पर भी दबाव बना। और ऑटो स्पेस जो मैं आपको बता रहा था, तो मारुति सुजुकी के साथ साथ एमएनएम, हीरो मोटोकॉर्प और साथ ही अशोक लेलैंड जिसके कल नतीजे आने वाले हैं वो भी फोकस में बना। और अंत में जी के हिट कॉल्स की बात करें तो अदानी पोर्ट्स को हाईलाइट किया था वागले जी ने, साथ ही फिनोलेक्स केबल, राकेश कुणाल स्पेशल पिक में भी आपको ये सुझाया गया था। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बाजार जो था आज एक्सपायरी के एक दिन पहले गिरावट का ट्रेंड ही साफ तौर पर नजर आया। अब देखना होगा कि कल जो कि मंथली एक्सपायरी है किस तरह से बाजार मूव करते हुए नजर आते हैं। शर्मा जी आपके पास आ रहे हैं, आज के बाजार पर आपकी राय क्या रहे, स्ट्रेटजी अब और साथ ही कल के लिए कहां पर रखने का, ट्रेड रखने की सलाह देंगे और हफ्ते भर का नजरिया कहां रखें? जी मार्केट में रोजाना आपको एक फ्रेश माइंड के साथ शुरुआत करनी चाहिए। तो फिलहाल जो मार्केट ने अभी तक दिखाया है कि मार्केट किसी भी प्रकार से अपना 15,450 का जो लो दो बार टेस्ट हुआ है उसको तोड़ने के लिए तैयार नहीं है और वो अभी भी यहाँ से भी करीब 250 पॉइंट के दूर है, तो उसकी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मार्केट कल हमारी एक्सपायरी है, ऊपर से रिलायंस का AGM और काफ़ी कुछ भी होगा, तो इस और कुछ नई लिस्टिंग भी हैं, तो इसके लहज में मेरे ख्याल से कल मार्केट अच्छा रहना चाहिए। और अंत में मार्केट भले ही ख़राब हो लेकिन मेरी ये सलाह ये रहेगी कि लास्ट में आप पोजीशन लेके जाइए, थ्राइडे के लिए मैं समझता हूँ कि अच्छा क्लोज आना चाहिए। अब हम जिक्र करते हैं एक इंट्राडे पिक जो कल हो सकती है, तो मास्टेक हमने देखा है कि एक लगातार अच्छी गति से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो एक वॉलिटिलिटी इसमें नहीं है, लगातार ऊपर जा रहा है, तो मेरे ख्याल से इसमें आप लक आजमा सकते हैं कल। तो 2,248 पे ये शेयर क्लोज हुआ है, 2,200 का रखें स्टॉप लॉस और आपका टारगेट रहेगा 2,340। दूसरा, अगर आपको पोजिशनल ट्रेड कोई लेनी हो तो आपको वी गार्ड लेना चाहिए, 271 रुपये पे लें, 261 रुपये का स्टॉप लॉस और टारगेट आपका रहेगा 290। ये आवश्यक नहीं कि ये 5 दिन ही लगे, पहले भी टारगेट आ सकता है, और ये ध्यान रखिए कि आपको लगातार स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ाते जाना है। ओवर टू यू स्वाति जी। जी शर्मा जी, तो आपके दो कॉल्स जो आपने दिए हैं, एक तो इंट्राडे पिक मास्टेक में खरीदारी की सलाह और दूसरी पिक पोजिशनल वी गार्ड में खरीदारी की सलाह शर्मा जी की ओर से। बातचीत जारी रहेगी आज के खास मेहमान से, कुछ सेक्टर स्पेसिफिक खबरों का रुख कर लेते हैं। BEL में जबरदस्त उछाल देखने को मिला, नतीजों के दम पर शेयर जबरदस्त दौड़ा है और मैनेजमेंट के गाइडेंस पर भी एक खास बातचीत करते हैं। देवांशी आशा हमारे साथ हैं, उनसे पूरी खबर और जानते हैं। देवांशी जरा बताएं BEL में जो रफ्तार है उसकी वजह और क्या? जी बिल्कुल, आप देखिए BEL के स्टॉक में आज शानदार गेन्स होते हुए दिखे, करीब 10.5% तक के गेन्स के साथ ये स्टॉक में कामकाज होता हुआ दिखा। इसकी सबसे पहली वजह तो यही थी कि इसके जो नतीजे आते हुए दिखे वो काफी अच्छे थे, जो अनुमान था उससे काफी शानदार नंबर्स आते हुए दिखे, सारे फ्रंट्स पर नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे थे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात थी इनके जो एग्जीक्यूशन है इस बार और जो ऑर्डर बुक है वो काफी ज्यादा मजबूत थी और इसी के चलते जो नतीजे हैं उसको सहारा मिलता हुआ दिखाता है। FY21 में 15,000 करोड़ की जो ऑर्डर बुक की जो गाइडेंस थी वो कंपनी ने हासिल कर ली थी, वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव था कि एग्जीक्यूशन स्ट्रांग था और साथ ही 53,400 करोड़ की जो दमदार ऑर्डर बुक है इसके चलते नतीजों को काफी सहारा मिलता हुआ दिखा। यही नहीं, जो कॉन कॉल होती हुई दिखी वहां पर मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, इसके चलते भी इस स्टॉक में अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। आप देखिए कॉन कॉल की जो हाईलाइट थी उसमें FY22 में 10% से ऊपर के ग्रोथ का लक्ष्य कंपनी के मैनेजमेंट ने दिया है, साथ ही 15,000 करोड़ के ऑर्डर बुक मिलने की उम्मीद कंपनी के मैनेजमेंट को है
जो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। इसके साथ ही आप देखिए जो ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन है वो आगे जाके और भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। इसके साथ ही मैनेजमेंट का ये भी कहना था कि जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो 20% के आसपास बनी रहेगी, साथ ही इनकी जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो 25% के आसपास बनी रहेगी, जो कि पॉजिटिव फिगर्स या रेशियोज माने जाते हैं। इसी के चलते एनालिस्ट भी काफी पॉजिटिव थे, तो इसके चलते अच्छे आपको बढ़त आती हुई दिखी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वजह यह भी थी कि अब कंपनी का कहना है कि वो ईवी की जो बैटरी होती है यानी कि लिथियम बैटरी बनाने के लिए एक पार्टनर की तलाश कर रही है। अगर इस सेगमेंट में कंपनी उतरती है तो और भी ज्यादा ग्रोथ की जो विजिबिलिटी है वो यहाँ पे आती हुई दिख रही है, और इसी के चलते एनालिस्ट और भी ज्यादा पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं और 10% की ग्रोथ आपको इस स्टॉक में आती हुई दिखी। आइए आने वाले नतीजों की बात करें, ONGC के मार्च तिमाही के नतीजे कैसे रह सकते हैं? मानसी जरा बताएं क्या अनुमान है नतीजों से। जी बिल्कुल, देखिए ONGC के नतीजों में सबसे पहले तो कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी के चलते फायदा मिलता हुआ दिख सकता है। गैस की कीमत में गिरावट से मार्जिन्स को कुछ हद तक नुकसान होने की संभावना है। साथ ही तेल के रियलाइजेशन में तिमाही दर तिमाही 20% का उछाल होने की संभावना, इसका अनुमान हम बनाकर चल रहे हैं। बेहतर रियलाइजेशन है जिसका सहारा कुछ हद तक मार्जिन्स पर जरूर पड़ता हुआ दिखेगा, लेकिन ऑफकोर्स गैस की कीमत में गिरावट से मार्जिन्स को कुछ हद तक नुकसान भी होने की संभावना है। अगर आय के फ्रंट पर देखें नतीजे अच्छे आते हुए देखेंगे, करीब 29% की बढ़त का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। कामकाजी मुनाफा 26% बढ़कर देखने को मिल सकता है। वहीं मार्जिन्स के फ्रंट पर 49% से 47.7% का एक स्मॉल डिप आता हुआ देखने को मिल सकता है। वहीं मुनाफा जो है 116% बढ़ता हुआ हम देखेंगे, करीब 1378 करोड़ से मुनाफा जो है 2980 करोड़ पर जाता हुआ दिख सकता है। तो ऑल इन ऑल अच्छे नंबर्स आते हुए दिखेंगे, और साथ ही मैनेजमेंट की कमेंट्री और डिविडेंड पर क्या ऐलान निकल कर आता है इस पर भी हमारा फोकस होगा। बिल्कुल, ONGC के नतीजों पर रहेगी नजर, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शो में शर्मा जी का ऑप्शन। अब HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी हमारे साथ आज शो में खास मेहमान। सर बताइए कल के लिए ऑप्शन स्ट्रेटजी। जी आज का जिस तरह से माहौल था उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि थोड़ा ध्यान से ही खरीदना चाहिए ऑप्शंस, और अभी जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ सुबह आपको अगर लगता है कि मार्केट उसके विपरीत है तो आप एक्शन न लें। बहुत आवश्यक है कि आज बताने वाले समाचार वो आपको कल वापस एक बार पूछने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। तो टेक महिंद्रा के लिए मेरी ये सलाह कि 1060 की कॉल अगले महीने की यानी कि जुलाई सीरीज की आप खरीदें 30 रुपये पे, और स्टॉप लॉस रखें 24 रुपये का, टारगेट आपका रहेगा 39 रुपये का। दूसरा जो स्टॉक है वो है दीपक नाइट्रेट। ये ऐसा स्टॉक है जो बहुत ज़्यादा गिरने की आशंका नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसमें आप हफ्ते भर भी अगले सप्ताह में होल्ड करते हैं तो नेक्स्ट सीरीज में तो भी कोई नुकसान नहीं है। तो आप 1800 की कॉल 65 रुपये पे लें, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 52 रुपये, टारगेट आपका रहेगा 85। तो यही दोनों ऑप्शंस हैं, सुबह बाजार को देख लीजिए, अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिए कि लेना है, दोनों लेने हैं या एक लेना है। ओवर टू यू स्वाति जी। बिल्कुल सर, ऑप्शन की स्ट्रेटजी शर्मा जी से समझी हमने। अनिल जी से अब जानते हैं कल के बाजार पर आपको क्या खास स्ट्रेटजी रखनी चाहिए और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे। का सवाल है वायदा कारोबार की एक्सपायरी का दिन है तो आप कुछ बड़े मुंह की उम्मीद रख सकते हैं। नीचे की तरफ 15,575 मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 15,800 से 15,875 की वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना नजर आती है। बैंक निफ्टी के लिए 34,400 के आसपास का लेवल बेहद अहम है, उसके बहुत दूर हम बंद नहीं हुए, मुश्किल से 125 पॉइंट ऊपर है। अगर वो टूटता है तो 33,934 अब बैंक निफ्टी के लिए वहां से एक अहम सपोर्ट बनकर आएगा। ऊपरी स्तरों पर 35,000 के पार निकलकर टिक पाना काफी मुश्किल होगा, तो ब्रॉड रेंज आप 34,000 से 35,000 की बैंक निफ्टी पर मानकर चल सकते हैं। हालांकि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 75 पॉइंट ऊपर से, तो अगर अमेरिकी बाजार एक मजबूती के साथ बंद होते हैं तो कल तेजी के लिए आपके पास 3 ट्रिगर होंगे। पहला ट्रिगर होगा अमेरिकी बाजारों की मजबूती, दूसरा ट्रिगर होगा रिलायंस की AGM, तीसरा ट्रिगर होगा वायदा कारोबार की एक्सपायरी के दिन आपके लिए ओवरसोल्ड बाजार। पुट कॉल रेशियो काफी नीचे तक आता हुआ दिख रहा है, और ऐसे में अगर कल फिर से नीचे खुले तो बाजार में रिकवरी आने के आसार पूरे पूरे बनेंगे। तो देखते हैं किस तरह से खुलते हैं, और जो वोलेटाइल ट्रेड पिछले 4 सेशन से हैं जिस तरह से खुलते हैं उसके विपरीत बंद होते हैं, वही दोनों तरफ के ट्रेड उतार चढ़ाव वायदा कारोबार की
मंथली एक्सपायरी के दिन कल भी रहने की पूरी उम्मीद है और उस एक्शन के लिए आपको हो जाना है तैयार। आइए अब जानते हैं कल ऑप्शन की स्ट्रेटजी। कल का ऑप्शन में मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया से बात करते हैं। चंदन जी बहुत स्वागत है शो में, कल के लिए खास स्ट्रेटजी कहाँ रखें? जी नमस्कार। देखिए बाजार में एक सेलेक्टिव मूवमेंट देखने को मिला था, हालांकि इंडेक्स में ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, बट कुछ स्टॉक्स में यहाँ पे खरीदारी के माहौल देखने को मिल रहे हैं। तो पहला दो हमने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, पहला है टाइटन और दूसरा है मारुति। तो टाइटन जिस मोमेंटम बना हुआ है, हमारा मानना है कि अपसाइड के मूव बनने चाहिए, तो 1840 की टाइटन की कॉल लेने की सलाह रहेगी, जो 40 रुपए के आसपास क्लोज हुई है। यहाँ पे 30 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और 60 रुपए तक के टारगेट होंगे। दूसरा ट्रेड रहेगा वो मारुति पे रहेगा। मारुति काफी अच्छा मोमेंटम पिछले 2-3 दिन में देखने को मिला था और यहाँ पे डेली और वीकली चार्ट में एक मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, और जिस हिसाब से रोल ओवर के फिगर बता रहे हैं, लग रहा है कि मारुति में मूवमेंट बनना चाहिए। तो 7700 का मारुति का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 160 रुपए के आसपास ये चल रहा है, 120 का स्टॉप लॉस लगाइए, और हमारा मानना है कि मारुति का यह कॉल ऊपर में लगभग 200 रुपए तक जाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया चंदन जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रेटजी आपने बताई। अब शर्मा जी आपका रुख कर रहे हैं और अब जानना चाहेंगे आपकी आज की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी दर्शकों के लिए। जी स्वाति जी, मेरी आज की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का जो स्टॉक है वो है FDC। तो इसलिए करीब 355 रुपए का स्टॉक है और फार्मा सेक्टर से संबंधित है। ये बता दें कि एक ये जीरो डेट कंपनी है और नेट बेसिस पे इसका कैश और कैश इक्विवेलेंट इसके पास करीब 557 करोड़ के हैं, और जो करीब करीब 55 रुपये पर शेयर बैठता है। इसके अलावा प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, 69.4%, और इनका जो 75% जो बिजनेस है वो डोमेस्टिक है और 25% एक्सपोर्ट है। अच्छी बात क्या है कि कंपनी ने अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ऐसा ऐलान किया था पिछले सितंबर में, करीब करीब अभी 10 महीने हो चुके हैं उन बातों को, कि करीब हम 180 करोड़ रुपए डाल के एक्सपेंशन करेंगे, तो उसका नतीजा आगे जाने के लिए आगे आने वाले सालों के अंदर हम देख पाएंगे। उस चीज़ का जिक्र हमने अपने इसके अंदर एक प्रोजेक्शंस में उसको गिना नहीं है। अच्छी कंपनी क्यों लगती है कि ये कंपनी जो आपके पास दवाइयाँ हैं एंड जैसे जिफी करके है जो एक एंटीबायोटिक है, और दूसरा जो ORS है जो रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन होते हैं ओरल, उनके अंदर इसका बोलबाला है, दबदबा है मार्केट में, मार्केट शेयर का ही लीडर है। तो इसके जो ORS है वो काफ़ी अच्छे बिकते हैं, और हमारा मानना है कि 355 रुपए का ये जो स्टॉक है अभी आप इसको 6-8 महीने के लिए ले सकते हैं और 413 रुपए पे इसका टारगेट रहेगा। तो अगर करंट भाव से गिने तो 16.5% इसका रिटर्न बैठता है, और अगर आप 339 रुपए तक नीचे एवरेज करें शेयर को तो आपके रिटर्न करीब करीब 19.3% हो सकते हैं। धन्यवाद जी, नमस्ते। ओके, तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के लिए FDC में खरीदारी की सलाह है VK शर्मा जी की। बहुत शुक्रिया शर्मा जी शो में शामिल हुए आज आप हमारे साथ बाजार आज और कल में, और हमारे तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। तो शो में आज के लिए बस इतना ही।